फिर तुम्हारी आंखों में पानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन झुकाने की अदा के लोग दीवाने थे। उनके पहने गए कुर्ते भी कभी खूब फेमस हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते सिलवाए। राजेश खन्ना की आराधना, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना माना जाता है। आनंद राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना कर लिया। 1959 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में ली। उनका करिश्मा कुछ ऐसा था कि उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वो सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर हुई, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि एक स्ट्रगलर होने के बावजूद वे महंगी कार में निर्माताओं के पास जाते थे। उस वक्त के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं हुआ करती थी। बहरहाल बाद में उनके स्टारडम के दिन भी शुरू हुए। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय हुए। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, फोटो से शादी तय कर ली। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोया करती थीं। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थीं। कहा जाता है कि लिपस्टिक के निशान से उनकी सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्म की कहानी सुना सकें। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आरडी बर्मन और गायक किशोर कुमार का भी अहम योगदान रहा। इस तिकड़ी के अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक रहे। अंजू महेंद्रू से उनके अफेयर के किस्से सरेआम थे, लेकिन फिर उनसे उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद राजेश खन्ना ने अचानक डिंपल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। डिंपल ने बॉबी फिल्म से सनसनी फैला दी थी। शादी के वक्त डिंपल की उम्र राजेश खन्ना से लगभग आधी थी। बाद में वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में भी आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। बाद में उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों और निभाए गए किरदारों से हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करते रहेंगे, क्योंकि आनंद मरा नहीं करते। अदिति के साथ कौशल कुमार, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली। ये लो,
फिर तुम्हारी आंखों में पानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स।